तो यार मुझे ना बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं यूट्यूब पर कि भाई हम मैसेंजर पर या इंस्टाग्राम पर कहीं भी किसी लड़की को मैसेज करते हैं, कोई हमारा रिप्लाई नहीं देती, कोई हमें मुंह नहीं लगाती। यहाँ तक कि हम कितनी भी उम्मीद के साथ मैसेज कर ले, हमारे रिप्लाई कभी आता ही नहीं है। लेकिन यार उदास क्यों होते हो, तुम्हारा भाई है ना। आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे 100% मतलब ये जो मतलब आपके साथ हो रहा है ना, इस वीडियो को देखने के बाद ये नहीं होगा, ठीक है। तो मैं जो ट्रिक बताऊंगा उन्हें फॉलो करना है, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो सोचो, अगर तुम इंस्टाग्राम पर या मैसेंजर पर किसी भी लड़की को मैसेज करते हो तो ये सोचो कि मतलब हमारा रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। ये नहीं कि मतलब वो हमसे बात नहीं करना चाह रही, ये सोचो कि हम में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से बात नहीं करना चाहती। ये जो ना हम में ही कमी होती है, कमी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो नंबर वन, जब भी आप फेसबुक अकाउंट बनाते हो या इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हो, कोई भी अकाउंट बना रहे हो, तो आपको ना कभी भी एक तो डीपी जो ना अपनी बहुत बेहतरीन रखनी है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई भी फ़ोटो लगा लेते हैं, उल्टा सीधा जैसा भी खींचा और लगा लिया और किसी को भी मुँह उठा के मैसेज कर दिया, तो भैया उसकी तो देखते ही वो तो किलच जाएगी कि पता नहीं कहाँ से आ गया। तो अपनी प्रोफाइल इतनी स्टाइलिश रखनी है, इतनी बेहतरीन रखनी है कि उसको लगे कि हाँ कोई VIP बंदा है, ठीक है। पहला नंबर तो ये हो गया, अपनी प्रोफाइल अच्छी रखनी है। और दूसरा, आप जो अपनी बायो लिखते हैं इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, दोनों में जो ना अपना रोना धोना नहीं लगाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी बायो जो लिखते हैं ना ऐसी रोने धोने वाली लिखते हैं कि भैया ये तो बर्बाद है बिल्कुल। अगर आप ऐसी बायो लिखोगे और आप किसी लड़की को मैसेज करोगे तो लड़की क्या करती है, मैसेज आते सबसे पहले उसकी प्रोफाइल चेक करती है, वहाँ देखती है उसकी DP और बायो, और जब देखती है तुम्हारा रोना धोना तो भैया उसको पहले लग जाता है कि ये तो मुझे पकाएगा, तो वो आपका रिप्लाई देगी ही नहीं, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है। ये सबसे पहले अकाउंट पर अपने, अगर आपने अभी तक ये चीज़ कर रखी है ना जो मैंने बताई है, तो इन्हें चेंज कर लो। पहले जाकर अपने DP बेहतरीन सी लगाओ और बायो अपनी चेंज करो, ठीक है। कोई एटीट्यूड शायरी या कुछ ऐसा लगाओ ना जिसमें वजन हो के लगे हाँ भैया बंदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है। अब ये दोनों कंप्लीट हो गए, इनके बाद अब ये देखो तीसरी जो है ना, ये ट्रिक नहीं है, एडवाइस दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। सोशल मीडिया पर अगर किसी लड़की से तुम बात करना चाह रहे हो तो कभी भी ये सोच के मैसेज मत करना उसे कि मैं सच्चा प्यार करूँगा, क्योंकि भैया ये जो एप्लीकेशंस होती है ना ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है, इनको दिल पर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तीसरी ट्रिक क्या है, किसी भी एक के पीछे मत पड़ो कि किसी एक को मैसेज कर रहे हो और बार बार उसे मैसेज की लाइन लगा दी, हेलो हाय कैसे हो फलाना ढिमकाना। अब जब इतने मैसेज देखेगी लड़की तो पता लग जाएगा कि इसे तो कोई मुंह नहीं लगा रहा, मेरे में ही दिमाग मार रहा है ये आके बार बार, तो उससे तो उम्मीद रखो मत कि तुम्हें वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो एक ही मैसेज करना है। और चौथी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी एक को नहीं टटोलना कि बस इससे ही बात करनी है मुझे, तो जितने भी हैं मतलब तुम्हारी ID पर ऐड हैं सबको मैसेज कर देना है, 1, 2, 3, 4, 5, 10 जितने भी हैं सबको कर देना है। अब सोचो एक का नहीं आएगा, दो का नहीं आएगा, तीन का नहीं आएगा, चौथे का तो रिप्लाई आएगा ही। अब भैया ये सोच के मैसेज करोगे कि जी मुझे तो एक से ही बात करनी है, उसकी ID देख के तुम्हें उससे सच्चा प्यार हो जाएगा, तो ये तो भैया पागलपंती है, ठीक है। उससे तो उम्मीद रखो मत ना, वो नसीब है तुम्हारा रिप्लाई दे दे, वरना ऐसा नहीं करना है। जितनी भी लड़कियां ID पर ऐड हैं सबको मैसेज कर देना है, ठीक है। अब इतनी सारी लड़कियों को मैसेज करोगे किसी ना किसी का रिप्लाई तो आ ही जाएगा, किसी को तो आप पर तरस आ ही जाएगा, ठीक है। और नंबर 5, बहुत से लड़के क्या करते हैं भैया, सीधे इनबॉक्स में जाते हैं और कॉल कर देते हैं। अब भैया वो रिप्लाई देना तो दूर की बात, उसे सीधा ब्लॉक ही मार देती हूँ। तो यार ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज़ गलत है। कॉल मत करो, बिल्कुल भी मत करो, जब तक तुम्हारी बात शुरू ना हो उसके बाद भी तुम पूछ के करो। ऐसा नहीं कि एक आध मैसेज का रिप्लाई दे दिया और तुमने कॉल कर दी, कॉल नहीं करना है, ठीक है। कॉल मत किया करो यार, ये गलत है। और जिसका भी तुम्हारे पास रिप्लाई आ जाए फिर उसके बाद कभी भी हाय हेलो ऐसे मैसेज मत किया करो, ये पकाऊ होते हैं बिल्कुल, इनमें क्या रखा है, क्योंकि ये तो सभी बात करते हैं, कुछ अलग करो, कुछ फ़नी टाइप। ये सब तो हम बाद में भी पूछ सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन बाद में भी दे सकते हैं, कुछ मतलब ऐसा करो जो उसको मज़ा आए। अगर तुम चाहते हो कि चैट स्टार्ट कैसे करते हैं, किस तरह से चैट करते हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उस टॉपिक पर एक वीडियो 100% बनाऊँगा, ठीक है। बस आप कमेंट करना, ठीक है। और हमेशा याद रखो, एक लड़के को एक ही मैसेज करना चाहिए, बार बार मैसेज नहीं करनी चाहिए, पर ना वो समझ लेती कि ये तो बिल्कुल वेला है। अब ये ट्राई करने के बाद देखो, ज़रूर 100% रिप्लाई मिलेगा। अगर फिर भी ना मिले
तो मैंने इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाया हुआ है कि फेसबुक अकाउंट डिलीट कैसे करें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में।